और कोई ध्यान के बारे में? ध्यान के बारे में तो जी मुझे मालूम नहीं, और मैं पहले से कुछ नहीं करता था ध्यान कभी भी, लोग कहते रहे कुछ नहीं किया। 12 मार्च को आए थे सर, आपका हेल्थ फ्री यहाँ से लिए थे, क्योंकि 2 साल से किडनी से पीड़ित है, और गवर्नमेंट जॉब में 30 साल से हम डिस्ट्रिक्ट जज के स्टोनो है नालंदा में, लेकिन अब हम 25 फरवरी से हम अस्वस्थ हैं और स्वस्थ के फेरे में इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो 12 तारीख को यहाँ हुआ, 13 को हमने आपने जैसे कहा था कि ऐसे करना है, उसको हम 5 बजे के आसपास कर रहे थे घर पर ही उत्तम नगर में। तो 5 पर रूम करने के बाद कुछ देर के बाद लगा कि चारों तरफ मेरे मस्जिद के चारों तरफ ब्लू रंग का घेरा आ गया, चारों तरफ जल आ गया। वो हुआ, लेकिन उसके बाद से फिर वो चीज नहीं हुआ, और आज फिर आया कि कुछ मिल जाए कि मेरा कुछ हो। हाँ, यही हुआ है। डर लगा था उस समय? उस समय डर नहीं लगा था, उस समय जो जल का आया पहले लगन डर, लेकिन फिर रिलैक्स हो गया, कुछ हो रहा है। तो उस समय मेरा ऊपर वाला 200 रहता था सर बीपी, और नीचे वाला करीब 101 चला जाता था, लेकिन उस के बाद से अब जो हो रहा है ऊपर वाले 107 रहता है सर, और नीचे वाला 90 रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर का कहना है कि किडनी आपका तभी ठीक होगा जब आप 130 ऊपर वाला को लाए और नीचे वाला को 80, ये नहीं हो पा रहा है। जब ये हो गया तो वो भी हो ही जाएगा, अभी आज के बाद ही हो जाएगा। ध्यान, ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हमें कहाँ का दर्शन कराती है, जो हमें खुद ही नहीं पता, जो ऐसा एक संगीत सुना देती है जो हम सच में सुनना चाहते हैं। और वो अंदर का संगीत है, बाहर के जो भी संगीत हैं, जो भी लोग हैं, उन सबसे परे है ध्यान, जो हमें वहाँ तक लेके जाता है। आपने सुना है आनंद? कुछ सुना है, मोमेंट्री सुना है, कोशिश करी ध्यान की। कोशिश करने से ध्यान होता नहीं है एक्चुअली, वो अपने आप से ही हो गया, और अपने आप से ही थोड़ा सा सुना, और लेकिन बहुत मोमेंट्री सुना। जिस भी चीज में फ्लो में रहे जो हम मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं, कंटिन्यूस जिस काम को कर रहे हैं उसमें लगातार बने रहना होता है। इसको जानते हैं जो बोल रहे हैं आप, इस बात को जानते हैं? देखिए बोलना अलग होता है, मैं भी यहाँ पर पढ़ी लिखी चीजें दे जाऊंगा अगर पढ़ी लिखी बातें करेंगे तो, कुछ मैं अपनी बात बताऊंगा अगर अपनी बात करेंगे, अपनी वो बताऊंगा जो वास्तव में नहीं जाता। अपनी में यह है कि सर जैसे कि हम कोई भी चीज मतलब ध्यान मेडिटेशन करते हैं या तो उसमें एक कुछ टाइम के लिए हम पूरा उसमें रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, लेकिन फिर पास्ट में चले जाते हैं, फिर या तो फ्यूचर में। इनकी आवाज पीछे आ रही नहीं आ रही, इसको माइक ऑन कर दीजिए। हम जैसे मेडिटेशन करते हैं उसमें जब स्टार्टिंग करते हैं तो प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे कि हम सांसों पर ध्यान करते हैं, हम महसूस करते हैं सर सांसों पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान सांस आ रहा है जा रहा है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हम एकदम वहाँ से हट जाते हैं, फिर कहीं और पहुँच जाते हैं, फिर कई बार ऐसा होता है फ्यूचर को पहुँच जाते हैं। सही है आपका, और भी हैं? जब मैं अपनी मेडिटेशन करती हूँ, अंदर जाती हूँ, अपना फोकस करती हूँ अपनी सोल पर कि मेरा मन क्या कह रहा है, मुझे क्या गाइडेंस मिल रही है, मेरे पास थॉट प्रोसेस होता है मेरा, इट कम्स विद मेडिटेशन। सो वो मेरे लिए ध्यान है कि मुझे गाइडेंस मिलती है फ्रॉम सम डिवाइन मे बी एनर्जी, आई गेट गाइडेंस। सोते सोते भी आ जाती है कि ये करना है तुमको सुबह उठ के, सो वो मुझे मेडिटेशन से आती है। सो आई डू चक्रा मेडिटेशन, आई डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन, प्लस सन के सामने तो एवरी डे आई टू डू दैट। सो मेरे को लगता है ये सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ माई सेल्फ, वॉट माई सोल वॉन्ट, वो मुझे आया है मेडिटेशन। सोल की भी इच्छा होती है? सोल की इच्छा ये होती है कि आप सोल ये चाहती है ना कि आप शांति से जो यहाँ पर आए हो पृथ्वी पर क्या करने आए हो उसको काम करो, रादर देन यू नो गोइंग एनीवेयर एल्स, दैट्स व्हाट माय सोल टेल्स मी। तो सोल इज लाइक गाइडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड योर, क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी सोल इज ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है। माइंड एंड हार्ट जो बोलता है वो मटीरियलिस्टिक चीजें बोलता है, लेकिन जो सोल बोलती है वो मटीरियलिस्टिक नहीं होता है,
वो होता है कि तुम क्या चीज हो, तुम कैसे हो, तो वो रियलाइजेशन कराती है मुझे मेडिटेशन। जैसे मेरे हस्बैंड समटाइम्स बोलते हैं कि तू ऐसे बात नहीं करती है, तू ऐसी है, तू ऐसा क्यों करती है, तो बोलती हूँ ये मैं हूँ, मैं नहीं चेंज हो सकती बिकॉज मेरी अंतरात्मा नहीं मांगती इस चीज़ को करने के लिए। सो वो रियलाइजेशन मुझे मेडिटेशन के बाद हुई है कि व्हाट आई एम। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना था कि ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान कैसे करें, क्या तरीका होगा ध्यान करने का? तो जब मैंने योगदा आश्रम ज्वाइन किया और वहाँ जब मुझे बताया गया कि आप ब्रीदिंग जो आप लेते हैं वो एक ह और स की आवाज में होता है, जैसे हंसा टेक्निक का, तो आप अपनी जब हम सांस ले रहे हैं उसको सुनना कि हमारे अंदर वो ह की आवाज में जा रहा है और स की आवाज में बाहर आ रहा है। जब हम इसको करते रहेंगे तब हम एक ध्यान कर पाएंगे। ऐसे हम आंखें बंद करके क्या ध्यान करेंगे? तो जब हम इसको करने लगे तो मेरा ध्यान हमारे ब्रीदिंग पर होने लगा और मुझे जैसा कि मैम ने बता रही थी, तो मुझे सिर्फ दो ही कलर दिखता है, एक व्हाइट और स्काई ब्लू, और पूरे जितने भी हमारे मिल्की वे हैं, ब्रह्मांड है, वो मुझे दिखते हैं। उसके आगे हम नहीं जा पाते, उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता है। हमारे गाय बोलते आगे जाइए, मुझे नहीं पता कैसे जाता है क्या है, उनसे पूछे कहाँ जाए, उनको तो कुछ नहीं पता है वो कहाँ जाए। उनको आपने यहाँ तक बताया होगा ना, आप कहती हैं आगे नहीं, और आगे कुछ बना के बताइए तो वो बताने लगेंगे यहाँ यहाँ पता नहीं। नहीं होता भी यही है, अभी जो हो भी रहा है यही सब चल भी रहा है, किसी ने बताया। मैं आपको ऐसा सिंपल बताऊंगा अभी, इसलिए पूछ। और ध्यान के बारे में जो भी जानते होंगे, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, सब जानते थे, थोड़े थोड़े निकलते गए। हाँ करेक्ट कोई नहीं जानता, करेक्ट सभी जानते हैं, करेक्ट ही सब जानते हैं, झूठ बोल रहे जानते तो सब करेक्ट है, ये बोलने बोलने परिभाषित करने में गलत कर देते, जानते सब करेक्ट हैं। ध्यान तो आप बचपन से कर रही हैं, बचपन से ध्यान से ही तो है सब कुछ, करेक्ट तो आप जानती हैं, बोलती गलत एक्सप्रेस नहीं कर। नहीं नहीं ये परिभाषा जो दे रहे हैं ना ये गलत है। मेडिटेशन और कोई सर, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञात से अज्ञात तक की यात्रा है। मैं आपको एक मिनट पहले मुझे आप वही बताइएगा जो आपको पता है। ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है, जो मैं जानती हूँ मैं उसे जानना नहीं चाहती, कुछ और जानना चाहती हूँ, और उस जानने को मैं अपने आप को फोकस करती हूँ, अपने दिमाग को अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हुए उसी फोकस पॉइंट पर जाती हूँ कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे जानना है, और इसीलिए मेरे लिए ज्ञात से अज्ञात। ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वही है कि हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे यूट्यूब्स में ऐसा बताया गया कि आप मूलाधार चक्र तक आपकी ब्रीदिंग जानी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मूलाधार चक्र तक जब हमारी ब्रीदिंग जाती है तो इसका मतलब हम अपने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हम पूरा नीचे तक ले आते हैं, फिर उसको पूरा नीचे से ऊपर यानी कि एंटी ग्रेविटी हम काम करते हैं। तो जब ये दोनों क्रियाएं ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी जब हमारे साथ दोनों क्रियाएं काम कर रही होती है, यानी कि दो एक एक्शन और एक रिएक्शन दोनों साथ साथ चल रहा होता है, तो ये कुछ नया पैदा जरूर करता है। ऐसा मेरे समझ में एक बात नहीं है, मूलाधार चक्र तक ब्रीदिंग तो जा ही नहीं सकती, ब्रीदिंग लंग्स में जाती है, हवा को लंग्स में लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम नेवल पेट तक ले जा सकते हैं, मूलाधार चक्र तक ब्रीदिंग को कैसे ले जाएंगे? मूलाधार या तो हम इमेजिनेशन में जाएंगे, विजुअलाइजेशन, या तो हम ये अपने आप को ये करने लगेंगे कि मेरी सांस पैर तक पहुंच गई, जबकि हवा तो वहां तक जानी नहीं है, हवा तो वहां तक जानी ब्लड में तो जा रही है, ऑक्सीजन तो जा रही है ना ब्लड में, ब्लड तो फिर तो पूरे ही शरीर में जा रहा है, ब्लड में हवा नहीं जा रही, ऑक्सीजन जा रही है, हवा नहीं जा रही, ऑक्सीजन को जाते हुए आप देख नहीं सकते। हाँ। शरीर हवा खींचता है बस, उसमें से अपने प्राण तत्व को निकाल लेता है, बाकी को छोड़ देता है, उसको आप देखने रही है, आप ब्रीथ को देख रही है, आप उस हवा को देख रही है जो जा रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए, हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन के नाम पे यही सारा खेल खेलते रहते, मेडिटेशन करती उसमें जाती, हमें पता है मूलाधार चक्र यहां पर है, अब हम ब्रीद को वहां पहुंचाना शुरू कर देंगे। ये और इस सर मेरी ये वाली लाइन नहीं आती, व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट यू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, ये वाली लाइन आती नहीं मेरे पर। आप ये लाइन पढ़ के मुझे क्यों ध्यान करने आ रही है, ये तो ध्यान के बाद की बात है। अच्छा अच्छा
हाँ ये ध्यान के बारे में अभी तो इस पे आऊंगा, पहले मैं बेस बना दूं फिर मैं उस पे आऊंगा। ध्यान मैं जो बताना चाह रहा हूँ या आप जो कह रही हैं मूलाधार चक्रा पे ब्रीदिंग जा, इस टाइप ऑफ मूलाधार चक्रा वहाँ है भी या नहीं क्या पता, चक्रा के नाम पे पता नहीं क्या क्या ठगा जा रहा है, वास्तव में है या वास्तव में नहीं है ये तो पता नहीं। एनर्जी सेंटर्स तो आपको पता है लेकिन सर अगर हम इस पे बॉडी में जो नहीं 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 आपको पता है एनर्जी सेंटर से हम यहाँ से बात कर रहे हैं, कुछ तो सेंटर है ना यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हवा यहाँ से बात नहीं कर रहे, थ्रोट चक्र यहाँ से बात, थ्रोट चक्र ना हम बाहर देखते कुछ हो रहा है वो कुछ हो रहा है, हम यहाँ से बात हम यहाँ आप पेट को मत रखिए और बात करके देखिए, आप पेट को मत रखिए और बात करके देखिए हो सकता है, तो यहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, कौन सा सेंटर है विशुद्धि जो बात कराता है, आप बिना पेट के बात करिए, हवा खींच के पेट से हवा निकाल लीजिए सारा और बात करके देखिए चक्राज है या नहीं है, क्या है नहीं है इस ये है कहाँ बॉडी में, तो ऐसा नहीं है ना, तो हम क्यों स्पाइन के नीचे जाते हैं, फिजिकल बॉडी में तो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हम स्पाइन के नीचे कैसे देखने जाते हैं, वो सेंटर पता नहीं कहाँ है। आदमी क्या करता है, बहुत सारे लोग मेरे पास कम से कम 400-500 ऐसे मेडिटेटर हैं जो अपने शरीर को खराब कर चुके यही सब कर करके, उन्होंने देखा उन्होंने दिया, एक आदमी ने दिया किसी ने, उसके बाद एक दुनिया चली, 1000 साल से तो किसी ने दिया नहीं है, 1200-1300 साल से तो किसी ने दिया नहीं है, अब जाके फिर दुनिया ये आई है, हम लोग करना शुरू कर रहे हैं अभी, वो फोटोकॉपी जो चल रही है ना उसके 1200 साल पहले जो किसी ने दिया था वो भी कॉपी वाला दिया था, बैठ जाइए, वो भी कॉपी वाला दिया था किसी ने, बहुत साल पहले किसी ने दिया था, देख के उसने देखा हुआ लिख दिया कि ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ऐसा ऐसा होता है, उसको पढ़ के जब करने जाते हैं तो हमें वो दिखने लगता है, दिखने का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी देख लो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लाइट दिखना शुरू हो जाएगा, एक देखता कौन है आपका मन, यहां तक तो आप कहीं है ही नहीं, अगर आपको कुछ दिखता है ध्यान में कभी लाइट दिखे कभी कुछ भी दिखना दिखने लगे तो आप उसको समझो ही नहीं, आप वो कहां विचारों में हो, दिख रहा है ना आपको ही तो दिख रहा है, अगर किसी को दिख रहा होता तो वो ये शरीर दिख रहा होता, अगर इसके अंदर कुछ है, अगर इसके अंदर जाने वाली कुछ विद्या है तो उसके अंदर जाके इस शरीर को देखा जा सकता है, अगर ये शरीर दिखता है प्रेजेंट में जो रहना होता है उस शरीर को देखना होता है, शरीर को कैसे देखना होता है, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है गुस्सा आना हुआ जो भी क्रिया होती है इसके वाइब्रेशंस दिखेंगे आप, प्रेम अनुभव होगा, शरीर की सारी क्रियाएं दिखेंगी, वो नॉन स्टॉप आप जब कोशिश करते रहेंगे तो ये दिखना शुरू हो जाएगा, वो लाइट देख के शरीर की क्रिया कैसे दिखेगी, अभी मैं आपको गाली दे दूं आपके अंदर क्या क्या हुआ वो आपको कैसे दिखेगा, अभी मैं आप पे ताली बजा दूं आप कैसे कैसे फूल गए, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है शरीर में ये कैसे दिखेगा, ये आपको कौन बताएगा आपके तेरे शरीर में ऐसे ऐसे हिल रहा है, कुछ स्पंदन बढ़ रही है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है तेरे शरीर का या घट रहा है तेरे शरीर का, अब कूल हो गए, कोई भगवान नहीं आएगा बताने आपको, किसी भगवान ने बताया आपको कभी नहीं बताया, ध्यान बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे सर कि ध्यान से रखो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से करो, ध्यान से रहना, गिर मत जाना, ध्यान से ये सामान रख दो कि ध्यान रहे, ध्यान से ये पैर रखो कि ध्यान रहे, अपने आप ही ऐसे ऐसे ना करने लगे, ध्यान से ये बोलो कि ध्यान रहे कि टंग हिल रहा है, काम चल रहा है, ये ध्यान है, इसको आप नॉन स्टॉप 24 घंटे कर सकते हैं,